अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे की दुआ से। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि मैं अपने एरिया की एक मार्केट है तो वहाँ पे मैं अक्सर विज़िट करती हूँ। तो फिर मुझे किसी ने पूछा था कि ये कौन सी मार्केट है, तो खैर मैं गई तो शाम के टाइम थी, लेकिन मैंने इसका व्यू लिया है। ये है जी पासवान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वेस्टिज बाज़ार में। तो ये काफ़ी पुरानी जो है ये मार्केट है, और ये मतलब ये आर्मी वालों की थी। आपका मुझे नहीं पता, उस वक्त ये आर्मी वालों की थी, अभी पता नहीं किसके पास है। तो यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे हम लोग जो है ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं। तो जहाँ से मैंने चिकनकारी के लिए थे ट्राउज़र, वो शॉप है सिटी फैब्रिक्स के नाम से, और ये काफ़ी पुरानी शॉप है। ये इसी शॉप को ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इनके पास ये बाहर इनके जो हैं इस तरह के जो स्कार्फ होते हैं वो जो होते हैं वो यहाँ पे हैं। तो इनकी प्राइस जो है सबकी 850 रुपीज़ है, और कुछ की 750 रुपीज़ है। तो यहाँ पे सिल्क के भी थे, प्रिंटेड भी थे, इस तरह के लॉन के भी थे, और डिफरेंट थे, सबकी प्राइस सेम थी। तो कुछ आगे जाके मैं आपको बताऊँगी, एक दो की प्राइस 750 रुपीज़ है। तो ये वाले जो है यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन आते रहते हैं, और फिर सेल हो जाते हैं, और फिर आते रहते हैं, फिर सेल हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं अक्सर यहाँ से अपने स्कार्फ वगैरह लेती रहती हूँ। तो ये ब्लू वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसके ऊपर इस तरह की पेंट हुआ हुआ था, स्टार्स बने हुए थे गोल्डन कलर के। तो इसकी प्राइस 750 रुपीज़ थी। इसके अलावा इनके पास जो है शॉल्स वगैरह भी होती है, कि ये मून लाइट में था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इस वजह से नहीं ले सकी कि ये गर्मी में यूज़ नहीं होता, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो जो मून लाइट था वो चुभता था। यहाँ पे ये सिल्क के भी थे, और सिल्क के स्कार्फ भी मैं नहीं पहनती, क्योंकि सिल्क के स्कार्फ भी मैं यूज़ नहीं करती, गर्मी में भी नहीं चलते और सर्दी में भी, क्योंकि वो स्लिप करते हैं, मुझे कैरी करने नहीं आते। जो लड़कियाँ या जो औरतें इनको कैरी कर सकती हैं वो तो रख सकती हैं, लेकिन मैं सिल्क का स्कार्फ कैरी नहीं कर सकती, तो इस वजह से मैं नहीं लेती। इसके अलावा इनके पास दुपट्टे होते हैं, शॉल्स होते हैं, प्लेन दुपट्टे होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स होती हैं, और काफ़ी सारी वैरायटी होती है। शॉप का नेम है सिटी फैब्रिक्स, और यहीं से मैंने चिकनकारी के अपने ट्राउज़र लिए थे। तो मैंने कहा आज एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को इनके बारे में बता दूँ। यहाँ पे ये दुपट्टे हैं, और दुपट्टे इनके पास हर किस्म के होते हैं, डाइबल भी डाई वाले भी होते हैं, प्लेन भी होते हैं, लॉन के चादरे भी हैं, दुपट्टे भी हैं, तकरीबन तमाम वैरायटी इनके पास होती है। और इसके अलावा इनके पास मर्दाना जो ड्रेसेस होते हैं वो भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी, चिकन का जो ट्राउज़र है मैंने अपने लिए ट्राउज़र लिए थे, तो फिर मेरे से किसी ने रिक्वेस्ट करके तो उन्होंने कहा था कि हमें भी यहाँ से ला दो, तो फिर मैं उनके लिए ये ट्राउज़र लेने आई। इसकी प्राइस जो है 1500 रुपीज़ है, और ये चिकन का बहुत खूबसूरत ट्राउज़र है, और क्रिज़मा ब्रांड का है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। इसमें ब्लैक भी थे और वाइट भी थे, ऑफ वाइट भी थे। खैर इस वक्त जब मैं आई थी तो इनकी जो वैरायटी थोड़ी शॉर्ट थी, काफ़ी सारे डिज़ाइन ख़त्म हो चुके थे। जब मैं अपने लिए लेने आई थी उस वक्त बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन थे, जिसमें से मैंने 3-4 डिज़ाइन तो अपने लिए ही ले लिए थे। इसके अलावा यहाँ ये फुल जो है चिकन का जो है ट्राउज़र है, इसकी आप ट्राउज़र बना लें, या जो लोग ट्राउज़र नहीं पहनते शलवार वगैरह यूज़ करते तो उनके लिए भी ये है। अच्छा, उसके बाद जी इसके साथ वाली शॉप है, और यहाँ पे ये इनके इस तरह के दुपट्टे और इस तरह के जो होते हैं स्टॉल्स वगैरह थी। तो अच्छा, जो सिटी फैब्रिक्स है मैं आपको बता रही हूँ, बहुत पुरानी शॉप है, बहुत ट्रस्टेड शॉप है, बहुत अच्छी वैरायटी इनके पास होती है, और बहुत ज़्यादा शॉप से हम लोग शॉपिंग पहले बहुत ज़्यादा करते थे, फिर बीच में हम लोग ब्रांड की तरफ चले गए तो ये छूट गई। अब मैंने दोबारा से शॉप पे आना शुरू किया है, और यहाँ से दोबारा से शॉपिंग करनी शुरू की है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो है बच्चों की भी कपड़ों की शॉप्स है, एक टैग्स के नाम से, एक पता नहीं दूसरे नाम से है। तो जो एक शॉप पे दोनों शॉप से बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं बच्चों के, रीज़नेबल भी होते हैं, प्राइस भी बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा आगे यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे एक जो होती है इस तरह की क्रॉकरी की जो शॉप होती है, जहाँ पे आपको किचन का तमाम सामान, इस तरह की प्लास्टिक की चीज़ें, बॉक्सेस, डस्टबिन और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैं इनकी शॉप
पे अंदर नहीं की थी, मैंने सिर्फ बाहर का ही व्यू करवा दिया। देखिए इस तरह की, अंदर से अंदर जाएंगे तो आपको तमाम क्रॉकरी का सामान मिल जाएगा, बाहर इन्होंने प्लास्टिक का सामान रखा हुआ है। यहाँ पे भी दो दो शॉप्स हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे है जो क्रॉकरी की शॉप, उसके आगे फिर एक और कपड़ों की दुकान आती है। अच्छा ये सीढ़ियाँ जो है ये ऊपर जाती हैं और ये दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं, इस तरफ से भी हैं, लेफ्ट मतलब आमने सामने हैं दोनों सीढ़ियाँ, तो इससे आप जो है ऊपर जा सकते हैं। यहाँ भी कुछ शॉप्स हैं जो कि बहुत पुरानी हैं और कुछ मतलब कुछ लोगों की शॉप्स बनती रहती हैं और फिर उनका काम नहीं चलता तो वो ख़त्म हो जाती है, फिर नए लोग आ जाते हैं, तो इस तरह का भी सिस्टम यहाँ पे चलता है। तो ये वही शॉप है। इसके बाद जी हम लोग सीढ़ियों के थ्रू अब ऊपर आ गए हैं, ऊपर से ये अब इसका व्यू है, सामने वाला जो एरिया आप देख रहे हैं वो वहाँ पे ये आप देखेंगे गिफ्ट शॉप है, उसके अलावा बेडशीट की शॉप्स हैं दो तीन, और स्टेशनरी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और छोटे सा खाना पीने का भी सिस्टम यहाँ पे है। एटीएम भी यहाँ पे दो मौजूद हैं, यहाँ पे आप आएँ तो एटीएम पार्किंग का भी निज़ाम है यहाँ पे, और इसके अलावा एक थोड़े से झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। तो ये जी ऊपर की जगह है, और यहाँ पर सच में बता दूँ मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर डिप्लेक्स पार्लर भी है, तो ये भी आप के लिए है। अच्छा ये ऊपर आई हूँ तो ऊपर जो है ये भी बहुत पुरानी शॉप है, और ये भाई साहब भी कहीं नहीं गए, शुरू से लेके आज तक यहीं पे ये इनका काम चल रहा है। और यहाँ पे जी इनकी शॉप का नेम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, और एंड में मैं आपको इनकी कार्ड भी दिखाऊंगी, लेकिन मैं इनकी शॉप का नेम आपको बता देती हूँ, न्यू पेशावर बाड़ा के नाम से शॉप है इनकी, और इनका नंबर वगैरह भी यहाँ पे मैं मेंशन किया हुआ है, तो आप जो है इनसे रब्ता कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं कि आपने हुमायल व्लॉग्स पे वीडियो देखी थी, तो वहाँ से फिर मैंने जो है आप लोगों ने अगर कुछ चीज़ मंगवानी है तो इनसे मंगवा सकते हैं। इनके पास भी सीज़न के ड्रेसेस होते हैं, जैसे कि आजकल गर्मी का सीज़न है तो लॉन होगी, अरबी लॉन होगी, इसके अलावा चिकन की होंगे, इसके मैचिंग भी होंगी, और दुपट्टे होते हैं इनके पास, स्काफ्स होते हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके पास जो प्रिंटेड लॉन होती है। तो ये इनके पास चिकन की शर्ट्स आई हुई थी, काफ़ी अर्से बाद आई हुई थी, तो फिर मैंने ये देखी तो 2200 की एक शर्ट दे रहे थे, तो ये वाले यहाँ आपसे मैंने कुछ डिज़ाइन यहाँ से देखे इनके पास, क्योंकि मैंने ये वाला भी लिया हुआ है और नीचे येलो वाला भी इनसे पहले का लिया हुआ है। मैं अपनी किसी आने वाली वीडियो में मैं आपको अपनी वो दिखाऊंगी चीज़ें जो मैंने इनसे लेकर रखी हुई हैं, लेकिन अभी तक मैंने उनको स्टिच नहीं करवाया, क्योंकि अब जो मौसम चल रहा है इसमें तो इस तरह के कपड़े नहीं चलते। अच्छा ये जी खाडी लॉन और लाइम लाइट लॉन बता रहे थे ये कि उनकी रेप्लिका है या वही लॉन है, आई थिंक मुझे नहीं पता इसका। और बाकी ये चिकन की दो शर्ट्स दिखा रहे थे ब्लैक कलर में, और काफ़ी सारी वैरायटी इनके पास आई हुई थी, जो कुछ जो मैंने यहाँ पे ओपन करके देखी कि मैं भी जो है आप लोगों को दिखा सकूँ। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है बताया मैंने लॉन के ही मिलेंगे, और सर्दियों में अगर आप आएंगे तो सर्दियों में आपको हर किस्म की लिनन का फैब्रिक मिलेगा, मरीना मिलेगा, थ्री पीस सूट भी इनके पास मौजूद होते हैं, अभी भी मरीना के या कुछ एक दो सूट पड़े होंगे। तो ये भाई बता रहे हैं कि ये देखें ये लाइम लाइट के डिज़ाइन आए हुए हैं, तो ये वाला दिखा रहे थे पिंक कलर का, एक दो और प्रिंट इन्होंने मुझे दिखाए थे जो कि आगे जाकर मैं भी आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो ये शर्ट 1250 रुपये की बता रहे थे, और खैर बार्गेनिंग करने से भाई कम भी कर देते, ये नहीं है कि इनकी फिक्स प्राइस है, लेकिन ये है कि बार्गेनिंग करने से कम कर देते हैं। खैर हम तो इनके बहुत पुराने कस्टमर हैं, तो ये बता रहे हैं कि देखिए ये जी कार्डी के प्रिंट हैं और वो लाइम लाइट के थे, इस तरह इन्होंने फिर मुझे डिफरेंट जो है डिज़ाइन और डिफरेंट प्रिंट जो है इन्होंने मुझे दिखाए। इसके अलावा ये एक और मुझे दिखा रहे हैं जिसको पेपर लॉन बोल रहे हैं, और दुपट्टा इसका जो था शिफोन का, पता नहीं कौन सा शिफोन उन्होंने मुझे बताया था, मुझे भूल गया है, लेकिन अच्छा फैब्रिक भी अच्छा था और दुपट्टा भी इसका बहुत अच्छा था। इसमें भी काफ़ी सारे प्रिंट जो है, अभी मैंने एक प्रिंट देखा था, इसके बाद फिर आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैं सिर्फ देख रही हूँ, तो उसके बाद जब मुझे ये चीज़ अच्छी लगी तो फिर मैंने आगे जाके जो है इनसे और भी प्रिंट जो है ओपन करवाए थे। तो इसके बाद फिर और लॉन के प्रिंट यहाँ पर हम लोगों ने ओपन करवाए थे, और यहाँ से फिर एक दो जो है चूज़ किए थे जो है प्रिंट, तो इसका ये डिफरेंट प्रिंट थे। ये वाला जो है ये वाला
मेरे वाला सेम मेरे वाला प्रिंट है जो कि मैंने ईगो का लेकर रखा हुआ है, लेकिन अभी मैंने इसको स्टिच नहीं करवाया। तो यहाँ पे ये देखे आ गया है यहाँ पे इनके पास, तो ये वाला वो कह रहे थे ले लें बहुत अच्छा। मैंने कहा नहीं ये वाला मेरे पास मौजूद है तो ये मैंने लेती। इसके अलावा ये जो पेपर लोन बता रहे थे जिसके साथ वो शिफून का दुपट्टा था, तो ये वाला प्रिंट मुझे बहुत जो है अच्छा लग रहा था मेरा बहुत, लेकिन मैं दुपट्टा नहीं लेना चाह रही थी कि दुपट्टे मेरे कम यूज़ होते हैं। तो लेकिन फिर उन्होंने मैंने इनको कहा कि साइड पे कर दे, मैं सोचती हूँ मैं लूँ या ना लूँ। फिर इसके अलावा हम लोग और प्रिंट वगैरह भी देख रहे थे लॉन के, और जो है अच्छा लॉन का एक सूट उन्होंने मैं 2000 का दिया था, हालांकि 2500 का बता रहे थे, 2200 का करवाया और फिर जाके 2000 का दिया। तो सब बारगेनिंग करें तो कम कर देते हैं। तो इनकी शॉप का नेम है न्यू बड़ा, न्यू पेशावर बड़ा। अच्छा ये वाले जो हैं ये वो कह रहे थे लॉन नहीं है वाइल है। अब ये लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा था, वाइल करके कह रहे थे। लॉन और वाइल में क्या फ़र्क होता है मुझे नहीं इस चीज़ का पता, लेकिन फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त था, बहुत खूबसूरत था। इसमें से फिर एक प्रिंट मुझे पसंद आ गया था, ये वाला मैंने नहीं लिया। मैं आपको किसी अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा वाला इनमें से लिया है। जो एक सूट उन्होंने मुझे जो टू पीस क्या जो शिफोन के दुपट्टे वाला, एक मैंने उनसे वो लिया था और एक मैंने जो है दूसरा लिया था। अच्छा ये जी एक था जरी दुपट्टे के साथ शर्ट दुपट्टा 2500 का बता रहे थे, तो वही बात है फिर दुपट्टे की वजह से मैंने जो है इसको मिस किया। खैर इस तरह का दुपट्टा प्यारा तो बहुत लगता है लेकिन थोड़ा रखने में मुश्किल होता है, लेकिन दुपट्टा इतना स्टफ बुरा नहीं था, अच्छा था, सॉफ्ट था। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि जो मैं मतलब ले सकती हूँ। तो इसकी भी लॉन अच्छी थी, प्रिंट भी अच्छा था, इसके में भी काफ़ी सारे प्रिंट आए हुए हैं। और फिर मैं वो बता रही थी जो कार्डी का बता रहे थे ना लॉन का जो वाइल करके बता रहे थे, वो फैब्रिक बहुत मज़े का था। तो उसमें से फिर एक सूट मैंने चूज़ किया था, वो उन्होंने मुझे पता नहीं 2500 का दिया, 2700 का बता रहे थे तो 2500 का दिया शर्ट दुपट्टा नहीं टू पीस। तो बाकी जो नॉर्मल लॉन में थी उन्होंने 2000 का मुझे दिया है, और जो दुपट्टे के साथ मैंने लिया है जिसमें शिफून का दुपट्टा और जो उन्होंने बताई थी पेपर लॉन, तो उसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा था, दुपट्टे का भी फैब्रिक बहुत अच्छा था, बड़ा सॉफ्ट और बड़ा अच्छा खूबसूरत फैब्रिक था। तो वो शर्ट दुपट्टा 27 का देते हैं, और उसके साथ अगर आप शलवार मैच करेंगे ट्राउज़र मैच करेंगे तो 34 का आई थिंक बनेगा, 900 की शलवार बताई थी। तो फिर मैंने उनसे फिर काफ़ी बहस करके मैंने कहा मुझे जो है ये कम में दें, तो फिर उन्होंने मुझे वो वाला सूट मैंने फिर 3 पीस ले लिया था, तो वो मुझे 34 का बता रहे थे, फिर 32 का किया, फिर मैंने कहा नहीं मुझे 3000 का, 3000 का उन्होंने फिर मुझे वो सूट दे दिया। बहुत ही ज़बरदस्त सूट है, बहुत ही खूबसूरत ये वाला, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये वाला। तो अभी तो यहाँ पे भी आप देख लें, तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में भी अपना दूसरा सूट भी आपको दिखाऊंगी, तो ये वाला भी मैं आपको आराम से दिखाऊंगी। इसके साथ जो दुपट्टा था ना, दुपट्टे की वजह से ना इसकी लुक बहुत मज़े की लग रही थी, जिसकी वजह से फिर मैंने जो है दुपट्टे के साथ ही इसको मैंने जो है ले लिया। और फिर मैंने इनसे बोला कि चले ये मुझे दे दे, तो मैंने फिर ये 3000 का मैंने ये लिया इनसे। तो वैसे नॉर्मली वो कह रहे हैं कि मैंने आम जो बेचे हैं मैंने 37 का भी बेचा है, 34 का 35 तक के मैंने ये सूट बेचे हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो इसके साथ ये वाला ब्लैक कलर का इन्होंने ट्राउज़र भी मुझे मैच करके दे दिया था जो कि अच्छा था। मैंने सोचा था कि मेरे पास जो है चिकन का ट्राउज़र पड़ा हुआ है तो मैं वो वाला ले लूँगी, वो वाला पहन लूँगी, लेकिन इसके साथ फिर चिकन का ट्राउज़र मुझे नहीं लग रहा था कि सूट करता, तो जिसकी वजह से फिर मैंने इसके लिए प्लेन ट्राउज़र ही इसके साथ वाला ले लिया था। इसके बाद ये इनके पास कुछ गर्म वराइटी भी पड़ी हुई थी, मरीना और इस तरह जो होते हैं धनक और ये जो होते हैं स्टोन लीलन, इनके पास अच्छा ब्लैंकेट वगैरह भी होते हैं। ये इनकी शॉप का एक व्यू मैं आपको करवा देती हूँ, ये इनकी साइड का दूसरी साइड का है, यहाँ पे इनके पास दुपट्टे होते हैं। आजकल थोड़ा सी चीज़ें शॉर्ट हुई हुई हैं, तो साथ ही वो भाई साहब कहते हैं कि अभी भाई साहब जाएंगे न्यू माल लेके आएंगे तो फिर और चीज़ें आ जाएंगी, तो दुपट्टे इनके पास हम लोग लेते रहते हैं मैचिंग करके इनके पास। तो यहाँ पर फिर काउंटर पर मैंने जो है यहाँ पर इनको जो है बिल मैंने इनको पे किया, साथ मैंने इनसे कहा कि मुझे शॉप का कार्ड दे देते। न्यू पेशावर बड़ा के नाम से इनकी शॉप है, नंबर यहाँ पे मेंशन है, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी मेंशन कर दिया, तो आप जो है आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, जो कि इस एरिया के करीब करीब है तो वो लोग आ भी सकते हैं, और कुछ लोगों को इस मार्केट का पता भी होगा। अच्छा तो उसके बाद फिर जो है यहाँ से फिर एक बार जाते हुए फिर इनकी शॉप के कुछ ड्रेसेस यहाँ पे
जो थे डिस्प्ले, तो मैंने वो भी मैंने कहा दिखा देती हूँ आपको। उसके बाद जी इसके बिल्कुल सामने वाली साइड भी हम लोग जा रहे हैं, ये आर के एम के नाम से एक शॉप है, यहाँ पे बेडशीट वगैरह आपको मिलती हैं, और यहाँ पे बेडशीट आप पसंद करें, मशीन भी इन्होंने रखी हुई है, साथ ही स्टिच करके भी देंगे, और इसके अलावा इनके पास ब्लैंकेट होते हैं, रज़ाइयाँ होती हैं, पिलोज वगैरह होते हैं इस तरह की। तो ये मैं सिर्फ बाय बाय से आपको दिखा रही हूँ, अंदर का व्यू मैं फिर किसी दिन दिखाऊंगी, बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ये बुक शॉप है, यहाँ पे आपको स्टेशनरी का तमाम सामान मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे चूड़ियाँ ज्वेलरी वगैरह भी थोड़ी सी आपको मिल सकती है, बच्चों की चीज़ें भी मिल सकती हैं ईजिली। तो यहाँ पे मदीना कैश एंड कैरी भी है जो कि सामने है, वो भी मैं आपको दो तीन बार वहाँ का विज़िट करवा चुकी हूँ, लेकिन एक डिटेल जो है विज़िट फिर मैं आपको किसी दिन इनका करवाऊँगी, मदीना कैश एंड कैरी का। तो इनके पास बुक्स भी होती हैं, हर किस्म की इस्लामी बुक्स होती हैं, इंग्लिश बुक्स होती हैं, और इसके अलावा स्टेशनरी का तमाम सामान है जो कि अंदर है, लेकिन मैं शॉप के अंदर नहीं गई, जो बाहर से ही मैं आपको इनका व्यू करवा रही हूँ। तो शॉप का नेम है रेनबो ओल्ड बुक शॉप के नाम से ये इनका इनकी शॉप है। तो आगे चलते हैं, तो आगे इनके पास जो होते हैं ये इनके पास कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, बच्चों की खिलौने टॉयज़ वगैरह भी इनके पास होते हैं इसी शॉप के अंदर। इसमें भी इस शॉप के अंदर भी काफ़ी चीज़ें, यहाँ आगे आते हैं तो एक शॉप है, यहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रिक का सामान मिल जाएगा, न्यू भी मिल जाएगा, पुराना भी मिल जाएगा, और यहाँ पे ये जो रिपेयर भी करते हैं। इससे आगे जाते हैं तो वो जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक और शॉप है जो कि क्रॉकरी की है, ये उसी शॉप का है जहाँ पे फैंस वगैरह भी हैं और पुरानी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, रिपेयरिंग भी यहाँ पे हो जाती है, वो वाली शॉप है। तो इसके बाद आगे ये एक और शॉप है, मुझे नाम नहीं शॉप्स के पता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये क्रॉकरी की शॉप है, यहाँ पर क्रॉकरी जो है थोड़ी सी होती महंगी है, लेकिन इनकी क्रॉकरी क्लास की होती है, कोई भी चीज़ आप लेंगे बेहतरीन क्लास की होती है। तो इनके पास इनका भी बाहर से मैंने व्यू करवाया, यहाँ पे आपको इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं रैक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, टप्स मिल जाएंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें जो कि ये जो बाहर डिस्प्ले हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर इनके जो है पासवान क्रॉकरी एंड गिफ्ट शॉप के नाम से ये शॉप है, मैंने आपको कहा था शॉप का। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। कि तो नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।